आप में से कितने लोगों ने गूगल पे सर्च किया है या कोई भी सोशल मीडिया पे सर्च किया है कि बेस्ट बर्ड फॉर बिगिनर्स क्या-क्या होते हैं? और आप में से कितने लोगों को गूगल पे या सोशल मीडिया पे जवाब आया है कि बिगिनर्स बर्ड्स में बजीज, कॉकटील्स, फिंचेस या इस किस्म के बर्ड्स आते हैं? मगर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बर्ड्स के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा या बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। जिन लोगों को पता है वो वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए कि आपको जो मैं 10 एग्जॉटिक बर्ड स्पीसीज बताने जा रहा हूं उस एग्जॉटिक बर्ड स्पीसीज में आपको कितना पता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आपने गूगल पर, सोशल मीडिया पर और बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि हर बार आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि बेस्ट बर्ड फॉर बिगिनर्स कॉकटेल्स, फिंचेस, एएलबी, बजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। मगर आज मैं आपको कुछ 10 ऐसी बर्ड स्पीसीज के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन के हिसाब से एक अच्छे बिगिनर्स बर्ड्स बन सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो बर्ड है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, इसे काइक्स बोला जाता है, जिसकी एवरेज जो लाइफ स्पैन होती है 30 ईयर्स प्लस होती है और ये 9 से 10 इंच के करीब मैक्सिमम बढ़ता है। ये बर्ड बहुत ज़्यादा प्लेफुल, कडली और इंटेलिजेंट होते हैं। एंड सेकेंडली, साइज में छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन। काइक्स के अंदर अलग अलग स्पीसीज आती हैं, जैसा कि ये स्पीसीज है, इसे ब्लैक हेडेड काइक्स बोला जाता है या ब्लैक कैप काइक बोला जाता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है, इसके सर के ऊपर आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का पैच है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, इसके अंदर ग्रीन जो इसका बेस कलर है, इसका जो नेक या कॉलर बोला जाता है वो ऑरेंज कलर का है, आगे का पार्ट वाइट कलर का है और ब्लैक कैप के नाम से इसका कैप जो सर का जो हिस्सा है वो ब्लैक कलर का होता है और बहुत ही ज़्यादा कटली होते हैं। बिगिनर्स के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे बर्ड होते हैं, खेलना कूदना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके अंदर 2 मेजर सब स्पीसीज आती है, नंबर 1 ब्लैक हेडेड काइक, नंबर 2 वाइट बेली काइक। वाइट बेली काइक का मैं एक फोटो डाल दूंगा तो आपको एक डिफरेंस दोनों में समझ में आ जाएगा कि ब्लैक हेडेड और वाइट बेली काइक्स में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 2 बोरोइंग पैरेट और पैटागोनियन कॉन्यूर। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, बिकॉज ईच एंड एवरी पैरेट का स्पेसिमेन मैं ला के कैमरे पे आपको दिखा नहीं सकता, तो मैं एक फोटो लगा दूंगा। पैटागोनियन कॉन्यूर कॉन्यूर प्रजाति की सबसे बड़ी स्पीसीज होती है। अगर आप साइज में बात करें, ये 18 इंच तक के बड़े हो सकते हैं। 18 इंच मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट के करीब का कॉन्यूर, मुझे लगता नहीं आपने कभी इस बारे में सुना होगा। और ये खासकर चिले और अर्जेंटीना के देश में पाए जाते हैं। नाउ जो जो भी बर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये बर्ड इजीली अवेलेबल होते हैं इंडिया में, जिनको प्री ऑर्डर पे आप मंगवा सकते हैं। तो मैंने उन्हीं बर्ड को इंक्लूड किया है जिन्हें आप खरीद सकते हैं, जिन्हें आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बर्ड मैं आपको नहीं बताना चाहता जो बहुत ही हाईली रेयर हो इंडियन, पाकिस्तान, श्रीलंका या मालदीव्स की मार्केट में। यही बात पैटागोनियन कॉन्यूर के खेलने कूदने की टेम्परमेंट की, बहुत ही फ्रेंडली बर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं। आप एक वीडियो देखना, उसमें किस तरीके से अपने फीडिंग बॉल को उठा उठा के फेंकता है। मेरा नंबर 3 जो ऑप्शन है वो है सेनेगल पैरट। एज द नेम सजेस्ट, सेनेगल बिलोंग्स टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उनका ओरिजिन वहाँ से होता है। अवेलेबिलिटी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। ये 9 इंच के करीब के होते हैं और इनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो 30 से 35 साल की होती है। बहुत ही ज़्यादा शर्मीले और इंट्रोवर्ट किस्म के बर्ड होते हैं और थोड़े तनाई पसंद होते हैं, अकेले में बैठना उनको थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है। बट अगेन, फर्स्ट टाइमर्स के लिए अगेन सेनेगल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। नंबर 4 मेयर्स पैरेट। अगर आप ये फोटो में देख सकते हैं, दे लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग बर्ड। इनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर टॉर्कोइज ब्लू या ग्रीन आप बोल सकते हैं, उसके साथ में ब्राउन, उसके साथ में येलो। और ये बर्ड अगेन, ये इनको माना जाता है कि ये सेनेगल पैरट की फैमिली के ही होते हैं, मेयर्स पैरट, मगर दे लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस। सेम इनका टेम्परमेंट, इनकी जो साइज़ होती है वो 9 से 10 इंच के करीब होती है और इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है आप 20 से 25 साल पकड़ के चल सकते हैं। तो
तो इजी टू हैंडल, इजी टू मैनेज, कटली बर्ड होते हैं, खेलना कूदना पसंद है, माय गुड ऑप्शन फॉर फर्स्ट टाइम बर्ड हॉबीज। अगला मेरा यस यस अभी हैंड फीडिंग पर है, 4 महीने का चीक है, सो आप देख सकते हैं हैंड फीडिंग के लिए किस तरीके से वो आवाज़ लगा रहा है, बट यश बेबी यश। सो अगला जो मेरा ऑप्शन है वो है रूपल्स पैरेट। अगेन मियर्स की तरह ये बर्ड सुपर्ब अमेजिंग लगते हैं, इनका जो आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे, इनका भी एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है और इनका साइज़ होता है सेनेगल और सेनेगल और मेयर्स के जितना ही होता है। अगेन वेरी अट्रैक्टिव, वेरी कडली बर्ड, सोशल बर्ड होते हैं, तो फैमिली में रखने लायक के लिए, फर्स्ट टाइमर के लिए ये मेरा एक अच्छा ऑप्शन लगता है। नंबर 6 पर मैंने जिस पैरट को चूज़ किया हूँ उसका नाम है केप पैरट। अगर आप फोटो में देख सकते हैं, इट लुक लाइक अलेक्जेंड्रीन, जिसे हम आम भाषा में पहाड़ी बोलते हैं या रॉ पैरट बोलते हैं, बट इनका जो सर का जो हिस्सा है हल्का सा स्केली और हल्का सा ग्रेइश टाइप का होता है, मगर अगेन बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड होते हैं, जेंटल होते हैं और खेलना कूदना उनको काफ़ी अच्छा लगता है। एवरेज लाइफ स्पैन अगेन 40 साल से ऊपर इनकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है, ये 12 इंच के करीब तक के मतलब 1 फिट के करीब इनकी साइज़ होती है, सो अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फर्स्ट टाइमर्स। अगला मेरा पिक है रेड फ्रंटेड पैरट या जार्डिन्स पैरट। अगर आप इनको गौर से देखेंगे ये थोड़े थोड़े आपको अमेजोन के जैसे लग सकते हैं, क्योंकि इनका जो हुलिया होता है, इनका जो अपीयरेंस होता है, मोर और लाइक दे लुक लाइक अमेजोन पैरट, बट अमेजोन जितने ज़िद्दी होते ये उतने ज़िद्दी नहीं होते, ये काफ़ी सोशल बर्ड होते हैं, खेलना कूदना बहुत पसंद होता है, खासकर इनका कलर कॉम्बिनेशन जब आप देखेंगे बहुत खूबसूरत बर्ड होते हैं। जिन जिन लोगों के पास जार्डिन पैरट है, मैं रेगुलरली हर तरीके के बर्ड हॉबीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, सो दैट आई कैन टेक देयर ओपिनियन, उनका मैं एक्सपीरियंस जान सकूँ। जिन जिन लोगों के पास जार्डिन्स है दे आर अ वेरी वेरी सेटिस्फाइड हैप्पी पेट पैरेंट, उनको बहुत अच्छा लगता है, जेंटल क्वाइट इंटेलिजेंट और बहुत ही कडली बर्ड। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूँ, इन केस यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सॉटिक बर्ड्स, अच्छे ट्रेन किए हुए बर्ड, स्पेसिफिकली TBT दैट मीन्स ट्रेन बाय तनवीर, अगर आपको कोई ऐसा बर्ड चाहिए जिसको मैं पर्सनली ट्रेन करना है, आप चाहते हैं जिनको मैं पर्सनली ट्रेन करूं, जिसके अंदर स्टेप अप ट्रेनिंग होती है, हार्नेस और सबसे स्पेसिफिकली आउटडोर ट्रेनिंग होती है, अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई बर्ड लेना तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, कम टू माई इंस्टाग्राम DM एंड देन वी कैन टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। 8वें नंबर पर मैंने पियोनस, या कोई कोई इसे पाइनस भी कहता है, पियोनस पैरट को रखा हुआ है। पाइनस पैरट की 3 सब स्पीसीज आती हैं, जिसमें होता है वाइट हेडेड पाइनस, ब्रॉन्ज विंग पाइनस और ब्लू हेडेड पाइनस। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पाए जाने वाले बर्ड्स होते हैं, इनका हैबिटेट बता रहा हूँ मैं, ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पर इंडिया में, लोकली ब्रीड होती है, 10 से 12 इंच का इनका साइज़ होता है और 25 ईयर्स प्लस 25 साल से ज़्यादा इनकी एक एवरेज लाइफ स्पैन होती है। मगर आप यकीन मानिए, इन ये तीनों तो स्पीसीज़ है, इन तीनों में से मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है ब्रॉन्ज विंग पाइनस। मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, बिलीव मी, अगर आपके कभी हाथ में एक ब्रॉन्ज विंग पाइनस आया, आपको लगेगा आपने एक जीती जागती पेंटिंग पकड़ी हुई है, आपको लगेगा ही नहीं कि जिंदा बर्ड है, आपको लगेगा ये किसी ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई है। मतलब ऊपर वाले का करिश्मा देखिए, उसके हर एक एंगल से आप ब्रॉन्ज विंग पाइनस को जब देखेंगे, जब वो पूरा उसका प्लमेज आता है आफ्टर मोल्टिंग, फर्स्ट मोल्टिंग के बाद, दे लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मतलब मेरे पास इतने मकाउज, काकाटूज, अमेजॉन्स होते हैं, मगर छोटे बर्ड्स से जो मेरा जो सबसे फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट, वो है ब्रॉन्ज विंग पाइनस। अगेन बहुत ही खामोश बर्ड होता है, बहुत कम बोलने वाला बर्ड होता है, खेलना कूदना भी ज़्यादा उसको पसंद नहीं होता है, बट बहुत ही जेंटल बर्ड होता है, तो बहुत से लोग जो बच्चे होते हैं उनके लिए खासकर बहुत अच्छा बर्ड होता है, तो आप इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 9 पर मैंने एक ऐसी स्पीसीज को रखा है जो मेरे हिसाब से 95% लोगों को पता ही नहीं होगा कि इंडिया में अवेलेबल होता है, और उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन हुडेड पैरट।
आप स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं वो एक ऑस्ट्रेलियन हुडेड पैरट है जो एक मेल है। इसकी फीमेल बहुत ही प्लेन कलर की होती है जो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका जो मेल होता है वो एब्सोल्युटली टर्कोइज कलर का होता है जिसके अंदर ब्लैक उसके विंग्स होते हैं और ये अवेलेबल होते हैं। देखिए जितने भी बर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ना वो बर्ड प्री ऑर्डर पर आप मंगा सकते हैं, रेडीली अवेलेबल नहीं रहते। आप कोई भी बर्ड बोले कि ना अरे मेरे को जार्डिन चाहिए, मेरे को कैप पैरट चाहिए, ऑस्ट्रेलियन हुडेड पैरट, ऐसा आपको नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि बर्ड बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू मकाउस, काकाडूस, अफ्रीकन ग्रेज और सन कनूर। अगेन ये 10 से 12 इंच के रहते हैं बट दे लुक एब्सोल्यूटली गॉर्जियस। अगेन फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत अच्छे बर्ड माने जाते हैं। और नंबर 10 पर जो मैंने एग्जॉटिक बर्ड को रखा हूँ, शायद बहुत से लोग उससे एग्री नहीं होंगे बट मुझे लगा कि एक ऐसा एग्जॉटिक बर्ड है जिसके बारे में नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है रेड फैन पैरट और हॉक हेडेड पैरट। अब आप पूछेंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है, आप ये वीडियो देखिए और बताइए क्या ये रेड फैन पैरट नहीं लगता, क्या ये हॉक हेडेड पैरट नहीं लगता। अगर आप इसे ज़रा गौर से देखेंगे आपको पता चलेगा ये ऑलमोस्ट जार्डिन और के पैरट के ही आसपास लगता है। तो पीछे के फेदर दिखते हैं जब वो थोड़ा एक्साइटेड डरता है या खेलता कूदता है तो फ्लफ्स जब होते हैं तो इट लुक लाइक अ हॉक। अगेन ये 40-45 साल के ऊपर के बर्ड होते हैं, इनकेस इनकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है। इंटेलिजेंट बर्ड, कडली बर्ड, बट बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे बट मुझे लगता था कि ये 10वें नंबर पे रहने का हकदार है। अमेजिंग पैरट, अमेजिंग बर्ड, मिड साइज बर्ड में दे लुक क्वाइट अमेजिंग। और ये बर्ड बहुत ही रेयरली अवेलेबल होता है, बहुत से लोगों को लगता है इलीगल है, नो इट इज़ नॉट। अगर ये प्रॉपर तरीके से एथिकली कैप्टिव ब्रीड बर्ड है तो ये फुल्ली लीगल है। तो अगर आपको कोई बोले कि हॉक हेडेड पैरट इलीगल है, इट इज़ नॉट। सो ये जो सारे बर्ड्स हैं ये सारे बर्ड्स प्री ऑर्डर पे अवेलेबल हो सकते हैं इंक्लूडिंग दिस ब्यूटीफुल चिक जिसका नाम किली है। किली का भी DNA करना बाकी है बट किली इज 4.5 मंथ्स ओल्ड, सपोर्ट फीडिंग पर है, खेलता कूदना मस्ती करना इसका स्टार्ट हो चुका है और फुली हैंड टेम्ड है। अगर आपको कोई भी बर्ड रिक्वायर्ड है यू कैन कम ऑन माई इंस्टाग्राम, आप DM कर सकते हैं और उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन आगे कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आइए और अपने अपने ओपिनियंस बताइए। और अगर आपको लगता है ये 10 पैरट्स में से, ये 10 एग्जॉटिक बर्ड्स में से कोई स्पीसीज छूट गई हो तो कमेंट में बताइए कौन सी स्पीसीज छूट गई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आइए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।